हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। मेरे भाई आगे भी बढ़िया रहना। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। गाइस, आज हम आए हैं बरेली शहर में घूमने के लिए। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमें थोड़ा काम है, उसके बाद में हम जाएंगे यूनिवर्सिटी में, MGPR यूनिवर्सिटी जो है वहाँ का सारा कुछ दिखाएंगे आपको। तो गाइस, आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहना। आप लोग समझोगे कि ये पैदल क्यों जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें। गाइस, हम यहाँ पर आपके ब्लॉग बनाने के लिए पैदल जा रहे हैं, ताकि आपको दिखा सकें कैसे नज़ारा है शहर का। और ये देख सकते हो, ये काफ़ी अंदर की गली है, तो यहाँ ट्रैफिक कम है। अभी जो मेन रास्ता आएगा, हाईवे आएगा, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक। और ये देख सकते हो, यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, ये अंदर की गली है। हम गूगल मैप के द्वारा जा रहे हैं, दिखाना मैप। और ये देखो, ये मैप हमें बता रहा है, अब देखते हैं ये सही बताता है या गलत बताता है। हमें तो कोई विश्वास नहीं है इसके ऊपर, फिर भी देखते हैं। और देख सकते हो, काफ़ी क्लियरिटी आ रही है कैमरे के अंदर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है सारा कुछ व्यू। हम यहाँ पर काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। हमारा मैप जो बता रहा है, वो बता रहा है कि आप जो है 12:33 पे पहुँच जाओगे। इस टाइम जो हुआ है वो 12:20 हो रहे हैं, तो तकरीबन 13 मिनट लगेंगे हमें जाने में। अमरूद क्या रेट है? चलो 70 लग गया, तो आधा किलो दे दो। आधा किलो गया, एक तो काट देना, ठीक है? आधे किलो का अमरूद को काट देना। दो कर दो तब बेहतर रहेगा, मोटे अमरूद हैं। हमने कल नहीं सीए थे, लेकिन कल हम तीखे खाए थे, अब आ गए सारे। कैसा है दीपक भाई? मैं सोच रहा हूँ तेरा पर्स कहाँ है, 100 का नोट दे दे। ये नहीं है, इसको पकड़ो। अमरूद यहाँ पर अमरूद काफ़ी मीठा है, लेकिन नमक नहीं है इसके साथ। और जो है गाइस, आप भी कभी आना बरेली, और पैदल सफ़र करना बहुत ही अच्छा लगता है। पैदल सफ़र सारा कुछ दिखता है, जो है 1.6 किलोमीटर रह गया है हमारा सफ़र। रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और जो यूनिवर्सिटी का मेन गेट है वो काफ़ी आगे है, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो हम पीछे वाले गेट से जाएंगे, दिखाते हैं आपको सारा कुछ कैसी यूनिवर्सिटी है। और जो है, हमने भी नहीं देखी आज तक। और ये हमारी सिस्टर का एडमिशन भी उसी यूनिवर्सिटी में हुआ है, वहीं से पढ़ती हैं ये, तो देखते हैं। यूनिवर्सिटी का गेट इस रास्ते से दिखा रहा है, देखते हैं जाकर कि गेट आता है पीछे वाला या नहीं, क्योंकि मेन गेट जो है वो काफ़ी आगे है, वहाँ तक हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी बस भी निकल जाएगी 3 बजे। और इस टाइम जो हो रहा है वो 1:40 हो गए हैं। तू यूनिवर्सिटी का नाम ले देना, मैं क्या MGPR हूँ। देख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी आ गई है। और ये हम पीछे वाले गेट से आए हैं, और अब हम जा रहे हैं मेन गेट पर, जिस चीज़ का हम फोटो देखते हैं हर मार्कशीट पे या फॉर्म वगैरह पे फोटो आता है यूनिवर्सिटी का, आज उसको हम देखेंगे। और ये वाला जो डिपार्टमेंट है, ये पूरा साइंस का डिपार्टमेंट है। मेरी सिस्टर भी यहीं पर आई थी, क्योंकि उन्होंने MSc की है। और ये काफ़ी बड़ा है, देखते हैं हमें बाहर निकलने का गेट मिलता है या नहीं मिलता है, क्या रहता है। और यहाँ गार्डन है पूरा, देख सकते हो काफ़ी हरियाली है, गार्डन है सब में, इधर भी और वहाँ से लेके वहाँ तक। और जो है, ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि अगर मैं पूरी यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाऊँ तो कम से कम वीडियो 3 से 4 घंटे की होगी। और कभी आप आना बरेली, यहाँ पर घूम के जाना, काफ़ी मस्त है। देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है। ये कौन सा डिपार्टमेंट आ गया? ये महात्मा ज्योतिबा फूल। अच्छा, MGPR ये है डिपार्टमेंट। और जो देख सकते हो, शायद मेन गेट इधर ही है, चलते हैं, चलकर देखते हैं। और वो तो नहीं है,
बढ़िया गार्डन है। अच्छा ये स्टैचू किसका है? स्टैचू देखा आपने? ये स्टैचू नहीं कहे जिनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और देख सकते हो काफी मजा आ रहा है यहाँ पर। अगर हमें गार्डन के अंदर जाने मिलता तब तो और मजा आता, क्योंकि हम वहाँ पे फोटो वगैरह भी क्लिक करते। देख सकते हो ये है मेन गेट, यहाँ से नज़ारा काफी अच्छा लग रहा है। अब हम चलते हैं, जाकर ऑटो करते हैं, फिर चलते हैं घर। और जो है हम पीछे से गेट से आए थे, हमें पता नहीं था, तो मेन गेट ये है आपके सामने रहा। और गाइस किसी दिन आप भी आना टाइम निकाल कर, आप देखना कितना मज़ा आता है यहाँ पर, कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर, गार्डन में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है। और हम अभी फ़िलहाल जल्दी में है, वरना हम भी यहाँ पर कुछ वेट करके जाते, थोड़ा थोड़ी बहुत देर रुक कर जाते। अब हम जाते हैं घर, हम यहाँ बस अड्डे पर आ गए हैं।